अरे देखो देखो, हमारे घर में कितने जोर का जश्न चल रहा है। ये देखो देखो, मेरे पापा कार्तिक किसे झूम रहे हैं। अरे हाँ, यहाँ तो हमारे वेलकम की तैयारी चल रही है। हाँ, और मेरे पापा नक्श को भी तो देखो कैसे खुश होकर नाच रहे हैं। वाव! और देखो, हमारी मम्मी अभी गोद भराई में कितनी सुंदर लग रही है ना। हाँ, मुझे तो वेट ही नहीं हो रहा है, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जल्दी जाना है। बेसब्री से इंतजार तो मम्मी पापा और घर वाले भी कर रहे हैं अपने आने वाले आंख के तारों का। और इसी खुशी में ही तो चल रहा है स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में गोद भराई का ये शानदार जश्न, जहाँ निभाई जा रही है नायरा और कीर्ति की अलग अलग गोद भराई की रस्में। इन खुशियों में चार चांद तब लग गया जब सही वक्त पर नक्श भी अपना काम खत्म करके गोद भराई की रस्म के लिए लौट आए और वो खाली हाथ नहीं आए, अपनी बहन और बीवी के लिए खास तोहफे भी लेकर आए। नक्श थे साउथ अफ्रीका के अंदर, नक्श बिजनेस वहाँ पे हैंडल कर रहे थे। नक्श ने अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और कीर्ति और बाकी सारी फैमिलीज के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे गिफ्ट्स और बहुत सारा प्यार लेके वापस आया। रस्म नंबर एक। भाई इस रस्म में पतियों को अपनी बीवियों के बेबी बम के हिसाब से रस्सी का फंदा बनाकर उनके पेट में डालना था। अब देखिए, नक्श बाबू तो इसमें हो गए कामयाब, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में लगता है कार्तिक बाबू को नायरा के बेबी बम का साइज समझने में, और इसीलिए रस्सी नायरा के पेट में अटकने की बजाय आर पार हो गई। भाई कार्तिक की ये नाकामयाबी देखकर नायरा का गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं नायरा को अब ऐसा लगने लगा है कि उनके मोटापे की वजह से कार्तिक उनसे प्यार नहीं करते। क्योंकि चाची जो है वो बोल देती है इससे आपका प्यार का मतलब टेस्ट टाइप का कुछ होता है ये, और मतलब ये सब मजाक ही चल रहा है, मस्ती चल रही है, बट वैसा कुछ बोलती है तो नायरा को लगता है अगर इसमें ये फेल हुआ तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है, और वो फेल हो जाता है। और नायरा को गुस्सा आ जाता है कि पहले मुझे लग रहा है कि तेरा प्यार कम हो रहा है या तुझे मैं सुंदर नहीं लगती, और अब ये भी खराब हो गया, अब इसमें भी तुम पास नहीं हुआ। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक उठाया है जहाँ पर लड़की जब प्रेग्नेंट होती है तब वो बहुत अपने बारे में सोचने लगती है कि यार मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं, मेरे पति मुझसे उतना प्यार कर रहा है या नहीं, उसका फेस चेंज होता है, बहुत चेंजेस आते हैं उसमें, तो कहीं ना कहीं लड़की को ये लगने लग जाता है कि काफ़ी आई थिंक लेडीज के साथ ऐसा होता है कि यार मैं कैसी लग रही हूँ, मैं मोटी लग रही हूँ, मेरा फेस भर गया है। बहुत रिलेटेबल टॉपिक है, बहुत रिलेटेबल। रस्म नंबर दो। भाई ये रस्म भी है अपने आप में बेहद अनोखी, क्योंकि यहाँ होने वाली मम्मियों को गृह प्रवेश की तरह छोड़नी थी अपने पैरों की छाप। ऐसी रस्म तो हमने पहली बार देखी, कार्तिक बाबू जरा हमें भी तो समझाइए। आई थिंक ये बेबी का बेबी के लिए है गृह प्रवेश, इट इज इट है ना, दिस इज बेबी का गृह प्रवेश, तो जो उनकी जो छाप है वो कहीं ना कहीं बेबी के छाप है। रस्म नंबर तीन। भाई यहाँ घर की औरतें होने वाली मम्मियों की गोद भराई कर रही हैं, जहाँ सब लेकर आए हैं उनके लिए अलग अलग तोहफे, और देखिए देखते ही देखते भर गई नायरा की झोली, और ये देखकर कार्तिक बाबू उनके लिए एक नई झोली लेकर पहुँच गए। रस्मों से भी ज्यादा मजेदार तो था लड़कों का डांस, जहां मुंडों को डांस करते करते अपने अपनी बीवियों के लिए क्राफ्ट के जरिए तोहफे बनाने थे। और देखिए होनहार लड़कों ने इस मुकाबले में जीत हासिल कर ही ली। भाई उम्मीद करते हैं कि यूं ही हंसते गाते वक्त बीत जाए और जल्दी से आपके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजे। नूपुर मौची, मुंबई, आज तक।